हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज्य। गाइस, आज हम यहां पे एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, ये यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो बल्कि शॉर्ट सर्विस होता है डिफेंस में, इसके जो आवेदन है गाइस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अंतिम डेट की यहाँ पे बात करते हैं तो 8 जुलाई 2019 इसकी अंतिम डेट है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर पोस्ट की बात करते हैं तो 417 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। एज लिमिट की बात करते हैं, अगर आपकी उम्र कम से कम 20 साल है, 20 से लेकर 24 साल तक, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। एग्जाम डेट की बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम डेट कंफर्म कर दिया है, जो बल्कि 8 सितंबर 2019 को आपकी एग्जाम होगी। ये जो बात है गाइस, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे की जो प्रोसेस है या आगे की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इवेंट्स होंगे या सिलेबस पैटर्न होंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में सारी जानकारी। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइस, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, जो बल्कि टेक्निकल स्वराज्य है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, नीचे आते हो, तो यहाँ पे पोस्ट नेम जो बल्कि UPSC है, CDS सेकेंड जो बल्कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस ऑनलाइन फॉर्म 2019। शॉर्ट फॉर्म में आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, द इम्पोर्टेंट डेट्स दैट एप्लीकेशन आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12 जून, द लास्ट डेट इट 8 जुलाई 2019 टिल 6 PM यू आर गोइंग टू फिल योर फॉर्म। ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म दैट द एग्जाम डेट इज 8 सितंबर 2019। हु विच कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई, इफ यू आर बैचलर डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, या इफ यू आर अपेयरिंग इन अ लास्ट ईयर देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, बिकॉज द एज लिमिट यू आर गेटिंग ओवर ईयर इज 20 to 24। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल OBC कैटेगरी को ₹200 देना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यम से आपको पेमेंट करना है, जिसको बोला जाता है एग्जामिनेशन फीस। SC ST को यहाँ पे किसी प्रकार की एग्जामिनेशन फीस भरनी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैकेंसी डिटेल्स। टोटल नंबर पोस्ट यू आर ओवर ईयर यू आर गेटिंग इज 417। द फर्स्ट पोस्ट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी, यू आर गेटिंग ओवर ईयर 100 पोस्ट। इफ यू आर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सेकेंड पोस्ट इज दैट इज इंडियन नेवी, ओके, ओवर ईयर यू आर गेटिंग 45 पोस्ट, बैचलर डिग्री इन इंजीनियर। नाउ ओवर ईयर इंजीनियर कैंडिडेट्स आल्सो कैन बी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एयरफोर्स दैट इज थर्ड पॉइंट, ओवर ईयर यू आर गेटिंग 32 पोस्ट। If you have bachelor degree in any stream with physics, chemistry, maths in 12th standard, okay, so you can apply for this post. The fourth post is official training academy for male, that is known as OTA. Over here you are getting 225 posts. If you have bachelor degree in any stream, science, commerce, arts, you can apply for this post. And the last post is guys, that is official training academy for women, over here you are getting 15 posts. If you have bachelor degree in any stream you can apply for this post. Right now I just want to tell you one thing, this is official website of UPSC. Over here you have to come and you have to apply for the part 1 registration if you are new candidates. Click on part 1 registration. After then you have to scroll down, then you will found one means the instruction, all the instruction you are getting over here. Okay, you have to read this instruction and you have to say yes. After the instruction you have read, you have to just put your name, full name as a record on matric certificate. After then you have to select your general, that is male or female. You have to choose your date of birth, father's name, mother's name, your nationality, and if you are married, unmarried, divorced,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। आफ्टर देन यू हैव टू सिलेक्ट द कम्युनिटी विच कैटेगरी यू आर बिलोंग, दैट इज EWS, जनरल, OBC, SC या ST। After that, the qualification, I just want to confirm, I just want to tell you one thing. If you are graduate from arts or commerce, okay, so you have to select the first option. No guys, sorry guys, you have to select the third option. If you are, you have passed from physics, chemistry, maths, okay, 10+2 level from science stream, but after you have gone for commerce, you have gone for arts, so you have to select over your first option. And if you are engineer, you have to select the second option. So don't, if you are getting any kind of problem, you can comment me, I will reply you. After then guys, you have to put your address over here, your state, your PIN number, ठीक है। उसके बाद ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका खुद का मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है, अल्टरनेट मेल आईडी डालनी है, ये आपको कंफर्म करना है। फिर आपको पेमेंट के ऊपर लेके जाएगा, पेमेंट करना है आपको, सेंटर चूज करना है, फोटो सिग्नेचर आपको बहुत अच्छे से अपलोड करना है, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे गाइस आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स इंडियन, जो बल्कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। भूटान के जो है गाइस वो भी आवेदन कर सकते हैं, नेपाल के भी आवेदन कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपसे, मतलब मेरे खुद मन से कुछ तो बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सारी जो सेंटर से आपको खुद के स्टेट में मिल जाएगा, आपको दूर जाने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो सिलेबस पैटर्न है वो, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।